डिवाइस में लॉक लगे हुए हैं, फिर लॉक के कारण उसे साइबर लैब से माध्यम से खोला जा सकता है। हम लोग जो देश के जो एडवांस साइबर लैब्स हैं मुक्ता हैदराबाद और उफ अफ्तर की, उनके संपर्क में हैं, और जल्द ही उसमें जो डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसे मैसेज जो अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाए हैं, उसको हम जल्द ही उसको रिट्रीव करेंगे। साथ ही साथ इसमें यह बात लगभग स्थापित हो चुकी है कि इसने मैसेज और फोटोग्राफ और वीडियो भेजे थे जिसके कारण परिस्थिति पैदा हुई। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में साक्ष्यों को इकट्ठा करने पर काफी गंभीरता से काम कर रही है। वैशाली ठक्कर की मौत के बाद से ही राहुल नवलानी पुलिस की रडार पर था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से वो लगातार पुलिस की रिमांड में था। हाल ही में राहुल ने पुलिस के सामने कुछ दावा किया, जिसके मुताबिक राहुल नवलानी वैशाली को पैसों से मदद किया करता था। राहुल की माने तो वैशाली पिछले कई दिनों से आर्थिक संकट से जूझ रही थी। वैशाली को टीवी इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो सेविंग के पैसों से सरवाइव कर रही थी। ऐसे में राहुल वैशाली की मदद किया करता था। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर की रात वैशाली ठक्कर ने सुसाइड कर लिया था, और सुसाइड नोट में उन्होंने अपने पड़ोसी राहुल को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद तो पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें कई खुलासे हुए। आरोपी को रिमांड पर लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है, और उसमें उससे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हुआ है जिसका उसने इस्तेमाल किया था। खास तौर पर इस मामले में जो प्रमुख बात आई है कि इसने कुछ जो इसके पास निजी किस्म के कुछ फोटो और जो वीडियोस थे, उसको दूसरे युवक को भेज करके, जिसे शादी तय होने वाली थी, उस युवक को भेज करके एक परिस्थिति ऐसी पैदा की जिसमें पूरी घटनाक्रम हुआ। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस ने सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करना इसमें शुरू किया है। मुख्य तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़ी हैं, जिसमें डाटा को रिट्रीव करने की बात हो या फिर उसको जुड़ी हुई कुछ सिस्टम को अनलॉक करने की बात हो, इन सारों को लेकर के पुलिस जो साइबर लैब है उनके संपर्क में है, और जल्द ही वहाँ से डाटा आते ही फिर इस मामले को पूरा और नए सिरे से साक्ष्यों के साथ में इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। रिमांड में लेकर पुलिस ने राहुल से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद वैशाली को लेकर कई सच सामने आए। बता दें कि पुलिस की पूछताछ में आरोपी राहुल के पास से मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, आरोपी के मोबाइल से पुलिस के हाथ कुछ खास सबूत भी लगे। इसी बीच पुलिस के हाथ एक आईफोन लगा, जो काफी मशक्कत के बाद भी अनलॉक नहीं किया जा सका। बता दें कि पुलिस के हाथ 3 फोन लगे थे, लेकिन सभी फोन के डेटा डिलीट कर दिए गए थे। ऐसे में पुलिस ने साइबर टीम की मदद से 2 फोन के डेटा को तो रिट्रीव कर लिया, लेकिन एक आईफोन का डेटा अभी भी रिट्रीव नहीं किया जा सका, जिसे खुलवाने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल राहुल से जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हुआ है, उसी डिवाइस से राहुल ने एक्ट्रेस वैशाली के निजी फोटो और वीडियोस के मंगेतर को भेजे थे। वहीं पुलिस की माने तो राहुल के स्टेटमेंट्स को क्रॉस चेक किया जा रहा है। इसके साथ ही दोनों के बैंक अकाउंट के डिटेल्स को भी पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। एक और पुलिस की माने तो राहुल जांच में सहयोग नहीं कर रहा, ऐसे में जरूरत पड़ी तो उसका नार्को टेस्ट करवाने के लिए कोर्ट से अनुमति भी ली जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम तक।